नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा द्वितीय चरण के कर्ज माफी अभियान का शुभारंभ नरसिंहपुर जिले में कर दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रथम चरण के कर्ज माफी के दौरान लगभग 20 लाख किसानों का 7000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया था। वहीं दूसरे चरण में 4581 किसानों का लगभग 33 करोड़ का कर्ज माफ करने की योजना है। कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण के शुभारम्भ का आयोजन गाड़रबारा के पुराने कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद थे। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित गाड़रवारा विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को एक बदहाल स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया था। स्थितियां कुछ ऐसी थी जहां किसान आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो चुके थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने अपने वादे के हिसाब से पहले चरण में लगभग 7000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। वहीं अब दूसरा चरण प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके तहत 4581 किसानों का लगभग 33 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ अतिथियों ने पूर्व की बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार के उद्देश्य, वर्तमान कांग्रेस सरकार के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी प्रकाश डाला। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सीओ चार पाठ है, आपसे निवेदन है कि आप पुष्पारों से मैं अगली कड़ी में स्वागत की वेला हेतु मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय। यह आयोजन गढ़रवारा स्थित पुराने कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया है। सर, माननीय श्री विवेक तनखा सर का राज्यसभा स्वागत है। हमारे बीच में माननीय श्री रामेश्वर निखरा साहब हैं पधारे, आपका स्वागत है। श्री अशोक सिंह साहब प्रशासक मध्य प्रदेश हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण में 4581 किसानों के खाते में 33 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। सच्चा शर्मा जी विधायक विधानसभा के, हम अपने वचन के अनुसार जो हमने विधानसभा के चुनाव में हमने जो हमारे मध्य प्रदेश किसानों को जो वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद पूर्व की सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां थी, जिसके कारण हमारा मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा था, जहां मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 पहुंच गया था और हमारा किसान जो है कर्ज के दलदल में फंसा हुआ था। ऐसे किसानों के लिए ऋण मुक्ति की योजना लागू करेंगे और उनको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर उस वचन को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया, प्रथम चरण में हमने 20 लाख से अधिक किसानों का 7000 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ करने का काम किया और इस ऋण माफ़ी में 10 लाख से अधिक ऐसे किसान साथी हैं जिन जो कि बैंकिंग की प्रक्रिया से पूर्ण रूप से बाहर हो चुके थे, उनको ऋण माफ़ी का लाभ दिया और उनको दोबारा ऋण माफ़ी की प्रक्रिया में शामिल करने का काम किया। पहली ऐसे ऋण माफ़ी है जहाँ पर जो किसान साथी नियमित रूप से ईमानदारी से अपने ऋण की अदायगी करते हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया और चालू खाते के किसान साथियों को भी ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम किया। प्रथम चरण में हमने 2 लाख रुपए तक के NPA जो खाते थे उनको दायरे में लाने का काम किया, 50,000 रुपए तक के जो चालू खाते थे उनको हमने ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम किया और अब जो आगामी चरण है उस आगामी चरण में जिन किसान साथियों का 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ऋण है, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, चाहे सरकारी बैंकों का हो, उनको तमाम किसान साथियों को जो है ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम हमारी सरकार करेगी। इससे ऊपर जो भी मेरे किसान मेरे अन्नदाताओं को ठगने का काम करेगा, उनको छलने का काम करेगा, ऐसे लोगों को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। हमने जो है सरकार बनने के बाद ऐसे तमाम लोगों को कानून के दायरे में लाने का काम किया और बड़ी कार्रवाइयाँ हमने करी हैं। मेघनगर में हमने कार्रवाई करी है जहाँ पर हमने 5 निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करने का काम किया, हमने एक बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है उसका हमने लाइसेंस निरस्त करने का काम किया, हमने टेमनी में कार्रवाई करी, हमने हरदा में कार्रवाई करी और 15
15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक हमने एक विशेष अभियान चलाया, जहां पर जो ऐसे लोग हैं जो मेरे किसान मेरे अन्नदाताओं को काम करना करते हैं। 135 बोरियां किसकी है साहब, तो ऐसा ही लगता कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम मैनेज है। देखिए, ये सब चीज़ें हमको विरासत में मिली है ना, हमको एक विफल तंत्र विरासत में मिला है, एक ऐसी ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो कि हर चीज़ में पीछे से नंबर वन था। तो अभी चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। पदभार ग्रहण के बाद जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पहली नोट सीट पर जो दस्तखत किए थे किसानों के कर्ज माफी के, बल्कि बहुत से हमारे पंडित लोग, बहुत से हमारे मित्र फोन करके पूछते थे कि आज ग्रहण है, मगर ग्रहण में सभा हुई, उसके बाद हम लोग शुद्ध हुए, पदभार ग्रहण किया। हमारे परम सम्मानी सभी नेतागण आए, उनने हमारी हौसला अफजाई की, उसके बाद हम बैंक गए, पहली नोट सीट जिस पर हम दस्तखत करके अनुमोदन करके आए हैं, उन गाडरवारा में 2769 किसानों को 2,05,00,000 रुपये, और उसके बाद फिर हम गाडरवारा आ गए। आप लोगों का स्वागत रहेगा, कभी भी आप आइए, 2-4-8 दिन मुझे समझने दीजिए, क्योंकि 15 साल पहले स्वर्गीय कर्नल अजय मिश्रान जी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनके साथ में संचालक था, उस समय हमने बैंक की स्थिति पूरी सुदृढ़ छोड़ी थी। बैंक की स्थिति जब बिगड़ती है वो है जो आप लोगों ने मीडिया वालों ने देखा होगा अभी अखबारों में, हम लोगों को अपेक्स बैंक कर्ज देते हैं, हम लोग बैंकों को नाबार्ड कर्ज देते हैं, हम लोगों को रिजर्व बैंक कर्ज देते हैं, और उनकी पूरी नज़र रहती है कि हमारी पूंजी की क्या स्थिति है। नरसिंहपुर में नाबार्ड के भी अधिकारी बैठते हैं जो समय समय पर कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं, रिजर्व बैंक के भी अधिकारी होते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं, अपेक्स बैंक का जो हमारे GM है वो अपेक्स बैंक के अधिकारी होते हैं। जो बैंक धारा 11(1) में चले जाते हैं, अभी जैसे मध्य प्रदेश के 8 बैंक जा चुके, ना वहाँ चुनाव होंगे ना वहाँ प्रशासन नियुक्त होंगे, ऐसी मेरी जहाँ तक जानकारी है नरसिंहपुर बैंक की स्थिति बिल्कुल नहीं है, मजबूत है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि पिछला क्या हुआ वो भी देखूं और आगे बेहतर बैंक के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा अनुभव बैंक के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है, पूरी मितव्ययता अनुशासन कर्मठता से मैं बैंक के लिए। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।